सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक रखी गई थी और उपचुनाव को लेकर सत्ता और संगठन की उच्च स्तरीय बैठक खत्म हो गई है, जिसमें अलग अलग वर्गों को साधने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल उपचुनाव वाली सीटों पर विकास कार्यों में तेजी के साथ सीटों के प्रभारी नेताओं की जमीनी रिपोर्ट के आधार पर प्लानिंग भी हुई है। और इस बैठक में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों के प्रभारी मंत्री पूरी शिद्दत से जुट जाएं। इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रभारी विधानसभा पर पूरी तरह से फोकस करें, उपचुनाव में जी जान से जुट जाना है और सुनिश्चित करना है जो घोषणाएं हुई हैं वो समय रहते पूरी हो सके। बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि काम के आधार पर हम जीत रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें काम और जनता पर पूरा भरोसा है। वहीं कांग्रेस की जीत के भरोसे पर भी मंत्री सकलेचा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये विश्वास पहले भी टूटा है और इस बार भी कांग्रेस के जीत के भरोसे का दम निकल जाएगा। विश्वास और विकास, विपक्ष का विश्वास खुद अभी देख ही लिया, हमने खुद ही देख लिया कि उनकी क्या स्थिति है पिछले उपचुनाव में, वही रहने वाली। देखो भाजपा और भाजपा के हम सब कार्यकर्ता, चाहे मंत्री हो चाहे कार्यकर्ता, हर चुनाव के लिए तैयार समय रहते हैं। और चूँकि उपचुनाव तो ये चूँकि पूर्व में एक प्रत्याशित है कि इनकी तिथि आना थी, हमने हमारी पूरी तैयारी की है और निश्चित रूप से हमारी तैयारी के मुद्दे पर कार्यकर्ता अपना अपना काम करेंगे। जनता का मूड पूरे तौर पर भाजपा की तखेरा भी सामने आते हैं, कुछ दिन की बात है, अपने आप पुरानी बात क्या, कांग्रेस अपना अतीत को भूली है क्या, ये जनता के बीच हमारा काम और विश्वास है।